सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मलाई बोटी बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मलाई बोटी बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने 1.5 किलो जो है वो बोनलेस चिकन लिया है। इसके साथ 100 ग्राम मैंने क्रीम ली है, ये होममेड क्रीम है, आप डिब्बे वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमने 125 ग्राम आधा पाव के करीब जो है वो दही ली है, 2 नींबू का रस, अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो मैंने 1 चम्मच ली है, हरी मिर्चे जो है वो हमने 2 खाने के चम्मच ली है, इसको भी हमने पीस ली है, आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके साथ नमक जो है वो मैं 1 चम्मच के करीब इस्तेमाल करूंगी, आपने हस्बे जायका इस्तेमाल करना है। काली मिर्च पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून और जो पीसा हुआ सूखा धनिया है ये मैंने 1 चम्मच लिया है। अब हमने क्या करना है, सारी चीजों को मैरिनेट करेंगे चिकन के साथ। चलिए अब मैरिनेट करते हैं। ये अब मैंने इसके अंदर बीट करके जो है वो दही शामिल की है। इसके बाद ये जो क्रीम है ये हम इसमें शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और ये पीसा हुआ सूखा धनिया, नमक थोड़ा सा भी मैं डालूंगी, बाकी फिर टेस्ट करके डाल देंगे। अब ये हम नींबू का रस शामिल करेंगे। मैंने 2 नींबू का रस इस्तेमाल किया। चलिए अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। आपने इसको अब बस अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें अब हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया सारे मसाले को। अब क्या करेंगे, हम इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। बेहतर रिजल्ट के लिए कम से कम आपने इसको 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेट करना है, वरना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने जो फुल नाइट इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख लिया था, अब ये मैरिनेट हो चुका है। अब हमने इसको सीखों पर लगाना है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे कोले जल चुके हैं। अब आपने एक एक बोटी पकड़ते जाना है और इसके ऊपर लगाते जाएं। ये अब आपने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेना है कि आपने 4 बोटियां लगानी है कि 5 बोटियां लगानी है। अब इसी तरह जो है वो मैं बाकी सीखों पर बोटियां लगा लूंगी और लगाने के बाद अब हम इसको डायरेक्ट बारबेक्यू करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको सीखों पर लगाकर जलते हुए कोयलों पर रख दिया है। अब ये साथ साथ जो है पकते जाएंगे, हमने इसको थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह से आपने इसको सीख पर लगा लो। और एक बहुत ही खास बात वो ये है कि इसके ऊपर मैंने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्रीम है, जब ये पकेंगे तो क्रीम भी अपना टेस्ट छोड़ेगी, इसलिए हम ऑयल नहीं लगाएंगे। ये देखें मैं इसका साथ साथ जो है वो रुख चेंज करती जाऊंगी,
आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। तो चलिए अब लास्ट पर मैं आपको इसका फाइनल टच दिखाऊंगी जब हम इसको सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये देखे व्यूअर्स, आप ये पक चुकी हैं, इसको हम डिश आउट करेंगे। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं और इंजॉय करते हैं। ये देखे व्यूअर्स, हमारी मजेदार मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हमने सादा रायते की चटनी के साथ जो है सर्व करना, और साथ में हम इसकी रुमाली रोटी सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।